मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जेडीयू में क्या ललन सिंह हाशिए पे धकेल दिए गए हैं? क्या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द अशोक चौधरी, संजय झा और विजय चौधरी फैसले कर रहे हैं? क्योंकि एक बात बार बार ये भी उठ रही है और आपने भी जिक्र किया है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो लगातार किसी ना किसी का पैर छूते देखे जा रहे हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसके लिए नीतीश कुमार जाने नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार का कंडक्ट पब्लिक में बड़ा साफ सुथरा रहा है, वो कोई भी इस तरह की गलती या भूल नहीं करते देखे गए थे। ऐसे में अभी हाल में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, कहा यह गया कि बड़े डल थे, बीमार लग रहे थे, थोड़ी देर उन्होंने बोला और अपनी बात खत्म करते ही ललन सिंह के पैर छूने लगे। ऐसे में उनकी बीमारी को लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं हैं और कहा यह जा रहा है कि ठीक है वो बीमार हैं और उनके बदले या उनके फैसलों पे पूरा असर अशोक चौधरी का दिख रहा है, विजय चौधरी का दिख रहा है, संजय झा का दिख रहा है। देखिए, राजनीतिक फैसला तो अभी वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो कुछ हो रहा है, कुछ नवरत्न है नीतीश कुमार के रेजिम में, कुछ अधिकारी जिनकी छवि बनी हुई है, चाहे वो सेवा में रहें या रिटायर हो जाए। अब अभी वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ दीपक कुमार सर्वे सर्वा, सारे प्रशासनिक फैसले उन्हीं की इच्छा उन्हीं के अनुरूप हो रहा है। तो ये बात सही है कि नीतीश कुमार खुद अब वो जो पहले थे और ललन सिंह के पद से हटाने के बाद तो साथ हैं, अब मैनेजर का की भूमिका थी, मैनेजर की भूमिका निभाने में अभी अशोक चौधरी, विजय चौधरी या संजय झा की वो भूमिका अभी शायद देखने को नहीं मिली। ये लोग सब दूत बन करके, जिसको कहिए वो परफॉर्मिंग, उस तरह से जो ललन सिंह का व्यक्तित्व रुतबा रहा है, अब तो ललन सिंह अपने तेवर और रवैया के कारण, व्यवहार के कारण पार्टी जनों के लिए ही एक तरह से कहिए मुसीबत हो गए। तेवर रवैया या आरजेडी के साथ बहुत ज्यादा गलवैया की वजह से वो हटाए गए या हटे? नहीं, लालू यादव से करीब भी हो। देखिए, जब जदयू और राजद साथ हो गया और ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे, स्वाभाविक रूप से उनको तो आपको याद होगा जब लालू जी और नीतीश जी साथ थे, उस समय ललन सिंह ने एक मुकदमा कर रखा था बराबरी देवी पर, और ये साथ होने के बाद वो मुकदमा की वापसी हुई थी। तो एक स्वाभाविक रूप से लालू जी और नीतीश जी दो पिछड़ों की राजनीति करने में जो एक दूसरे के पर्याय रहे थे, परिस्थिति बनी, ललन सिंह ने अपना एक एकोमोडेशन बढ़ाया, लालू जी से एक अच्छी समझ बनाई। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ कि लालू प्रसाद के लिए नीतीश कुमार ज्यादा भरोसेमंद होंगे कि ललन सिंह होंगे? अभी टाइम फैक्टर में यूज हो जाए ललन सिंह, जो एक स्थिति थी। लेकिन थोड़ा सा यही विरोधाभास, यदि नीतीश कुमार ने लालू यादव से नजदीकी होने के कारण नीतीश कुमार को हटाया है, तो क्या लालू और नीतीश आज अलग हो गए? एक ही विरोध, देखिए, एक काल, एक विश्वास का संकट की जो मैंने आपसे बात की थी, और ये बात सही है कि आज भी अब तो हाशिए पर हो गए हैं स्वाभाविक। देखिए, कोई 42-43 विधायक वाला जदयू में ललन सिंह के साथ जाने वाला 1-2-3 विधायक हो, कोई वो विधायक टूटने के लिए अभी कोई ललन सिंह के साथ जो कोई विधायक जाने वाला है 3-4-5 साल के से, और वो बैठक की जो बात होती है मंत्री के यहाँ बैठक, वो मंत्री भी नीतीश कुमार के प्रति वफादार हैं, लेकिन एक उनकी पहचान रही है कि बेबाकी से जो बात होती है अपनी राय, चाहे वो लालू के साथ जा रहे थे तब भी और बीजेपी के साथ जा रहे थे या छोड़ रहे थे, बेबाकी से वो बात रखते हैं। वो एक चेहरा है अभी बिहार कैबिनेट में विजेंद्र यादव का, जो नीतीश कुमार को उनको अच्छा लगे न लगे बेबाकी से बात रखते हैं, लेकिन उनकी वफादारी कोई नीतीश कुमार से वो डिच करेंगे और वो ललन सिंह के में पाले में आकर के नीतीश कुमार को डिसलॉज करेंगे? अभी तक तो ये उनकी छवि और मुझे चाल चरित्र ऐसा हम लोगों की समझ में नहीं रहा। और जो बिहार कैबिनेट में जो कुछ गिने चुने जो लोग हैं जिनकी एक छवि मानी जाती है साफ सुथरा छवि, उसमें विजेंद्र यादव के नाम की गिनती होती है, अभी उन्हीं के बारे में चर्चा होती थी।